हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएपी के बारे में। फ्रेंड्स, डीएपी क्या है, डीएपी का यूजेस क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज़ किया जाता है, ये सब आज हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डीएपी को बोलते क्या है। इसका पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और वैसे तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों का, लेकिन मैं कभी कभी जब मैं देखती हूँ कि अगर ऑर्गेनिक चीज़ों का धीरे धीरे असर हो रहा है और प्लांट जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तब मैं इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ। इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स पे आप यूज़ मत करिएगा। आप जो भी फ्लावरिंग प्लांट है या फिर ऑर्नामेंटल जो प्लांट होते हैं उस पर सिर्फ यूज़ करिएगा। वेजिटेबल्स पर यूज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये किस तरीके से डालते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं जिसके वजह से उनका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये मेरे पास जो है फ्रेंड्स, ये थोड़ा ग्रेइश कलर का है और इसमें एक ब्लैक कलर का भी आता है और एक लाइट पिंक कलर का भी आता है। तो उससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है और दूसरा वाला क्या है, वो भी डीएपी है, ये भी डीएपी है। और ये बहुत इजीली आपको जो नर्सरी का शॉप होता है उस पर, आपको जहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा। और इसका रेट भी बहुत कम होता है, 20 से 30 रुपीज़ पर केजी का होता है और वो काफ़ी दिन तक चल जाता है। डीएपी का यूज़ फॉस्फोरस के लिए किया जाता है। और फॉस्फोरस हम किसी प्लांट में तब देते हैं जब उस प्लांट को मतलब सीड से ग्रो किया जाता है। उस टाइम में अगर आप अपने जो मिक्सचर बनाते हैं हम सीडलिंग लगाने के लिए, उसमें अगर 2-4 दाने, इसके बिल्कुल 2-4 दाने, ज़्यादा नहीं, बस इतने, एक दो 2-4 दाने इस तरीके से आप डाल देते हैं, तो उससे जो होता है वो रूट्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती हैं। जैसे सीड्स जब लगाते हैं तो रूट्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती हैं फ्रेंड्स, और ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस होता है। और दूसरी बार फॉस्फोरस का यूज़ होता है जब जब फ्लावरिंग का टाइम आता है, तभी फॉस्फोरस काफ़ी अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। तो इसका यूज़ किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको यूज़ करते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में इसका यूज़ करना है, क्योंकि ये आपके प्लांट को एल्कलाइन बना देता है। और ज़्यादातर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको एसिडिक सॉइल काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके वजह से आपकी जो सॉइल की मिट्टी है वो एल्कलाइन होने लगती है, जिसके वजह से आपका प्लांट्स ख़राब होकर मर भी जाता है कभी कभी, और हमें लगता है कि क्यों मर गया। तो अगर आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ करते हैं तो इसका बिल्कुल 2-4 दाना इस तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि ये मेरा चंपा का प्लांट है, तो मैं महीने में एक दिन क्या करती हूँ, बस इसमें 4 से 5 दाने डाल देती हूँ इस तरीके से। मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पर जैसे कि ये है और यहाँ पर मिट्टी है मेरी, बस मैं यहाँ पर इस तरीके से 4 दाने लूँगी। 4 दाने मैंने लिए हैं और 1-2 इस तरीके से मैं डाल दूंगी। और मतलब 6-7 दाने आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि इसके वजह से, इससे फॉस्फोरस तो प्लांट्स को मिलेगा, लेकिन जो होता है ये एल्कलाइन भी सॉइल को बना देता है। ये एक इसमें डिमेरिट है इस फर्टिलाइज़र का। अगर आप गार्डनिंग पहली बार कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कम करिए, बहुत ज़्यादा कम करिए। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप इससे डर रहे हैं इसको यूज़ करने से, तो आप इसके जगह पे कोई अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें फॉस्फोरस होता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इसका लिक्विड भी बना करके डालते हैं, लेकिन मैं इसका जो है, मैं इसको ग्रैन्यूल, जिस तरीके से ये है, मैं उसी तरीके से डाल देती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम पानी देते हैं तो उससे धीरे धीरे ये जो है पिघलता है, ये बहुत सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो ये बहुत धीरे धीरे पिघलता है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जो होता है रूट्स को हमेशा ये डीएपी का जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता रहता है बिल्कुल धीरे धीरे। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इसके ग्रैन्यूल्स को इसी तरीके से डाल देना गमलों में। और यही बस आपको ध्यान रखना है कि इसका आप यूज़ अगर करते हैं तो ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, बहुत कम क्वांटिटी में, और महीने में एक दिन मैक्सिमम यूज़ करिएगा, तो ये बहुत अच्छे से आपके प्लांट्स के लिए काम करेगा।
तो फ्रेंड्स यही था बस मेरा आज का वीडियो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।